अब आज हम बनाएंगे अचार। जैसा कि गर्मियां हैं और गर्मियों में लोग बहुत अचार यूज़ करते हैं, लोग अपने घरों में भी डालते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका होता है अचार डालने का। तो आज मैं आपको बताऊंगी अचार डालने का तरीका, जैसे मैं डालती हूँ। मैंने तकरीबन 1 किलो आम लिए, उसको मैंने काट के, और नमक, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ही हल्दी जो है वो मैंने अच्छे से लगा के इसको रख दिया। इसी तरह मैंने 1 पाव नींबू लिए, उनको भी मैंने इसी तरह से नमक और हल्दी लगा के रख दिया। और ये मैंने मिर्चियाँ ली थी, हरी मिर्ची, उनको इस तरह से कट लगाया, और इसके अंदर सिर्फ नमक और जो हल्दी है उसको मिक्स करके वो तकरीबन मैंने इनको 24 घंटे के लिए जो है वो छोड़ दिया था। जब इन्होंने अपना पानी छोड़ दिया तो तब मैंने इनको अच्छे से छान लिया। वो पानी जो सब्जियों का अपना होता है वो अचार को गला देता है, मतलब ख़राब कर देता है, सो इसलिए वो मैंने फेंक दिया और इसको अच्छे से खुश कर लिया। अब हम अचार की तैयारी करते हैं। मैंने तकरीबन हाफ प्याली जो है इसमें लिया है सिरका, और ये वाला जो बड़ा खाने का चम्मच होता है, ये मैंने 3 टेबल स्पून जो है इसमें सूखा धनिया लिया, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया, 2 टेबल स्पून ही इसमें सौंफ, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने मेथरे लिए, 2 टेबल स्पून इसमें राई दाना लिया है, 1.5 टेबल स्पून इसमें जो है वो खाली कलौंजी ली है, और 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने अजवाइन ली है। और मैं इसमें 1 टीस्पून लूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट, क्योंकि ऑलरेडी इन चीज़ों में सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून जो है यही वाला स्पून भर के मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, और मैंने तकरीबन 1/2 लीटर जो है इसमें सरसों का तेल लिया, जिसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और अब ये गर्म हो रहा है तो इसके अंदर मैं सबसे पहले जो है वो आम डाल दूंगी, गर्म में ही डालने हैं, ठीक है। इसमें आम डाल देती हूँ। अच्छा जी, जो ऑयल मैंने गर्म किया था, मैंने आधे से ज़्यादा ऑयल जो है वो निकाल लिया। अब मैं इसके अंदर जो है ये आम डाल दूंगी। ये जो आम मैंने पकने के लिए रख दिए हैं, अब ये थोड़ा सा इनको हम ऑयल में पकाएंगे और जो हमारा मसाला है उसको हम अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, ये मैंने पैन एक गर्म करने के लिए रखा हुआ है, इसके अंदर ये सौंफ और मेथरे, ज़ीरा और जो सूखा धनिया है सिर्फ उसको हमें डाल के अच्छे से भूनना है, फिर हम इसको कूट लेंगे। बस इन 4 चीज़ों को डाल के हमने भूनना है और बाकी चीज़ों को नहीं डालना। ये जी मेरे मसाला जो है वो अच्छे से भून के, तो इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब हमने इसको पीसना नहीं है, हमने इसको कूटना है, यानी कि थोड़ा मोटा रहे और बहुत बारीक भी ना हो और बहुत साबुत भी ना रहे, ठीक है। बस हमने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है वो अब कूट लेंगे और बाकी फिर चीज़ें जो हैं इसमें मिक्स करेंगे। चलिए जी, इसको अब कूटते हैं। ये जी, आम भी हम लोगों के अच्छे से पक गए हैं ऑयल में, और अब हम चूल्हा जो है वो इसका बंद कर देंगे, क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है, ये ठंडा होने में टाइम लेती है, तो इसलिए अब ये थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी तो हम इसमें मसाला डालेंगे। और अभी मैं इसके अंदर जो है हरी मिर्चें और लीमू डालने लगी हूँ। हरी मिर्चें लीमू डाल के आपने फुल इसको फ्राई नहीं करना जैसे हमने आम पकाए हैं, उनको हमने सिर्फ बंद करके जो है डालना है, हल्की सी जो हीट होगी बस उतनी में ही वो पकेंगे। चलिए, अब मैं इसमें दोनों चीज़ें डालती हूँ। इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करके तो हम अचार जो है उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ज़्यादा नॉर्मल करने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ठंडा हो जाए, हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आए तो हम इसमें बाकी की चीज़ें डाल देंगे। चलिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये जी, मैंने इसमें सब कुछ ये डाल के मिक्स कर दिया। अब मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, कम अज़ कम हम इसको ढक के रखेंगे ताकि थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तब तक जो बाकी का मसाला है वो अच्छे से कूट लेते हैं। ये देखें जी, ये मोटा मोटा जो है ये अच्छे से कूट लिया मैंने, ग्राइंड नहीं किया इसको, वो जो कूटने वाला होता है ना डंडा, उससे कूटा है मैंने अच्छे से। अच्छा, अब ये जो बाकी के मसाले हैं ये सारे, ये हम इसमें ऐसे ही मिला देंगे। अच्छा, अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी चाहिए हो, आप इसमें मिर्च जो है वो तेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को नमक का इशू हो तो आप नमक तेज़ कम कर सकते हैं। कम खाते हैं तो आप बेशक इसमें ना डालें, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है ताकि एक बैलेंस फ्लेवर आए। इसको अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। ये जी हो गया अच्छे से मिक्स। अब अचार भी हम लोगों का ठंडा हो गया, अब हम इसमें मिक्स करते हैं। ये देखें जी, अब ये कदरे नॉर्मल हो चुका है, बहुत कम जो है वो गर्म है। अब ये सारा मसाला जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे।
तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये सिरका भी जो है हाफ प्याली वो भी आप इसके अंदर डाल दें, इससे अचार ख़राब भी नहीं होगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। चलिए जी इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। ये जी मैंने इसमें सारा मसाला और सिरका जो है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमने ऑयल बचाया था वो इसके ऊपर से डालेंगे और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं आपको इसको फाइनली दिखाती हूँ। ये देखें जी अचार हम लोगों का हो गया रेडी, और आप लोग चाहें तो इसको वैसे खा सकते हैं क्योंकि हमने इसको पका लिया अच्छे से, तो इस वजह से आप इसका पानी खुश्क हो गया होगा, आप इसे खा सकते हैं और गल भी गया होगा, लेकिन बेहतर है कि आप लोग दो दिन इसको किसी मिट्टी की हांडी में या मिट्टी के मर्तबान में ऊपर ढक के अच्छे से इसको रखें और दो दिन में इसको एक दो दफ़ा हिलाते रहें और फिर उसके बाद खाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से गल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे भी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, और अगर आप लोगों को वेजिटेबल्स डालनी हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो है वेजिटेबल वाला अचार भी डालना बताऊँगी, क्योंकि वो इसमें आप डायरेक्ट नहीं डालिएगा वरना उनके पानी की वजह से जो है ये अचार भी ख़राब हो सकता है। तो अब आप ये देखिएगा और इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा बना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।